स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के दही बड़े। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्यों आगे भी आपको मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपी देखने को मिलेगी। तो आइए बनाते हैं मूंग की दाल के दही बड़े। तो उसके लिए हमें सामान चाहिए। 250 ग्राम दाल ली है हमने, दही लिया है, धनिया, शक्कर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक पाउडर, काली मिर्च पाउडर, जीरा पिसा हुआ भूंज लिया हमने इसको, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम दाल को ग्राइंड कर लेंगे। दाल को हमने 5-6 घंटे भिगो के रखी थी। आइए पहले इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए हमने दाल ग्राइंड कर ली है, दाल हमने बारीक ग्राइंड करी है। अब इसको हम निकाल लेंगे और दाल को हम अच्छी तरीके से फेटेंगे। फेटना इसको इसलिए है क्योंकि हमारे दही बड़े सॉफ्ट बने, अच्छी तरीके से फेट लेना है। दाल हमारी अच्छी तरीके से फिट चुकी है। अब इसको हम सेकेंगे। इसमें हम नमक नहीं डाल रहे हैं, नमक हम गर्म पानी करेंगे, उसमें हम नमक डालेंगे, तब ये सेक के हम पकौड़ियों को डालेंगे उसमें, बड़ों को। कढ़ाई रख ली है हमने, इसमें तेल डाल लिया है, तेल गर्म हो रहा है। तेल गर्म हो रहा है जब तक हमने इसमें दूसरे गैस पे हमने पानी रख रखा है, पानी गर्म करने रखा है। इसमें नमक डालेंगे, इसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। दही बड़े सेक के सारे हम इसी पानी में डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, ऐसे हम इसमें डालेंगे बड़े को। अब इनको हम सिकने देंगे। अब इनको हम ब्राउन होने तक सेकेंगे। हमारे ब्राउन हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इसको हम गर्म पानी में डालेंगे। हम दही बड़े हमारे भिगो चुके हैं हमने, अब इसको निचोड़ लेंगे हल्के से हाथ से। हल्के हाथ से निचोड़ना है इसको। अब दही डालेंगे इसमें। इसमें अमचूर की चटनी डालेंगे। काली मिर्च पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा चाट मसाला डालेंगे, काला नमक डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, हल्का सा नमक स्वाद अनुसार नमक। धनिया डालेंगे गार्निश करने के लिए। सॉफ्ट दही बड़े बनके तैयार हैं। दही
देखिए, बनाएं, खाएं और हमें बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।